अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब हैरियस होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज का व्लॉग कुछ ही हुआ कि मैं उठाऊँ आज जल्दी सुबह सुबह, कोई 7:30 बजे का टाइम है और मैं जा रहा हूँ जी लोहे का सामान लेने के लिए। वो क्यों लेने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लगा रहे हैं अपने घर की छत पर सोलर, क्योंकि वो लगता छत पे ही है, नीचे तो लग नहीं सकता क्योंकि उसको धूप चाहिए। अच्छा जी, तो कल एक बंदा आया था तो उसने सामान वगैरह लिख दिया था कि ये आप ले आए, तो इंशाल्लाह फिर लोहे का सामान लेकर आते हैं तो फिर उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा और फिर मैं आपको बताऊंगा सब A to Z, शुरू से लेकर एंड तक जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सोलर लगाने की, और जो जो चीज़ें चाहिए या प्लेटें वगैरह जो जो वो मैं आपको सब कुछ साथ साथ बताता जाऊँगा। इंशाल्लाह आपने मेरे सब व्लॉग देखने हैं और इंशाल्लाह आपको मैं A to Z सब बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी सामान लेने के लिए, तो जैसे ही सामान लेकर आते हैं तो फिर काम शुरू करते हैं। 5 minutes later। सो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ लोहे का सामान लेने के लिए, जो कि कल मुझे लिखवा दिया था कि ये आप सामान ले आए और फिर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो वो स्लिप तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मैंने खुद लिखी है, तो मेरी उर्दू की राइटिंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं पढ़ के ज़रूर सुना सकता क्योंकि जो मेरी हैंड राइटिंग है वो डॉक्टर से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, एनीवेज, तो मैं उसी शॉप पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं परिंदे का जो पिंजरा बनाया था, तो उसके लिए जो लोहे का सामान लिया था, तो उसी शॉप से मैं ये स्ट्रक्चर का भी सारा सामान लेकर आऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइज, ये है वो शॉप, यहाँ से मैंने जो है वो परिंदों के पिंजरे के लिए भी लिया था सामान, और ये देखिए ऊपर पाइप वगैरह भी पड़े हैं, जो जो ये लिखा है स्लिप पर वो सब कुछ यहाँ से इंशाल्लाह मिल जाएगा। और ये अभी अभी ओपन हुई है, इनके तो लड़के भी अभी शायद काम पर नहीं आए। 5 minutes later। काम शुरू हो गया है, तो लड़के निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सामान। ये कुछ पाइप भी लेकर जाएंगे और उसके बाद ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं ऊपर पढ़ के एक मिनट बताता हूँ। हाँ, ये यूथ चैनल गार्डरी है, एक ये लेकर जाएंगे और साथ कुछ टी है, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। तो ये सारा सामान हम लेकर जाएंगे, बस अभी ये लोड होने लगा है। सो गाइज, ये देखें जी, नवाबों की तरह दरमियान से होकर जा रहा है, और इसको मैंने आगे कहा भी है कि साइड पर होकर चलाओ क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और ये ऐसा ना हो किसी गाड़ी को लग जाए। और अब ये साइड पर हो रहा है। अच्छा जी, सीन कुछ यूँ है कि मेरी जो गाड़ी थी वो ले गए हैं पापा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा सामान और लाना था, और मुझे अपनी बाइक दे दिया है और मैं बाइक में इसके साथ साथ जा रहा हूँ। 5 minutes later। अच्छा जी, सामान सारा उतार लिया यहाँ पर घर के बाहर ही, और जिसने ये तैयार करना स्ट्रक्चर वो भी बंदा आ गया और अभी काम शुरू कर देगा, और कह रहा था कि मैं घर के बाहर यहाँ पर ही बैठ कर बनाऊँगा। सो गाइस, काम स्टार्ट हो गया, ये इसने फ्रेम तैयार किया है, तो यहाँ पर जो एक फ्रेम के अंदर यहाँ पर लगेंगी 5 प्लेटें सोलर की प्लेट्स, और अभी तक सोलर की प्लेटें नहीं आई, तो जैसे ही आएंगी वो भी मैं अंदर रखवा लूँगा, और उसके जो है ना साइज़ वगैरह लेकर फिर ये तैयार करेगा। और ये सारा सामान जो है ये भी लगेगा, लेकिन पता नहीं अब यहाँ लगता है या छत पर जाकर लगेगा, कोई पता नहीं। हाफ़ स्ट्रक्चर नीचे तैयार होगा और हाफ़ ऊपर। सो गाइज, मौसम भी बहुत कमाल का हो गया है और इस वक्त इसने 3 स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। प्लेटें तो हमारी 12 हैं लेकिन स्ट्रक्चर 15 का है, और अभी इसको स्ट्रक्चर को सुराख वगैरह करने हैं। इसने जो ये रख दिए हैं साइड पर, और अभी जो ये पाइप है उसकी लेंथ को मेजरमेंट करके तो उस हिसाब से इसको काट लेगा। फर्स्ट फ्लोर पर? हाँ। अच्छा, मैंने इनको बोला था फर्स्ट फ्लोर पर उतारनी है, कहते हैं भाई हम नहीं उतार सकते फर्स्ट फ्लोर पर, हमारा काम होता है नीचे उतारना, तो ये गराज में ही निकालने लगे प्लेटें। और ये 12 प्लेटें हमारी आ गई हैं जो कि डबल साइडेड है, मतलब डबल दोनों साइडों से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दोनों डबल ग्लास इसको कहते हैं, तो ये वो वाली प्लेट्स हैं। तो ये अभी उतार के गैराज में ही रखने लगे हैं, और इधर भी काम हो रहा है बड़े ज़ोरों शोर से,
और यहाँ से ही अब ये इन प्लेटों के निशान देखकर जहाँ जहाँ पर इनका सुराख करना है तो फिर फ्रेम के अंदर सुराख कर लेंगे इजीली। हाँ जी ठीक है। ये डबल ग्लास कैनेडियन प्लेट है विद 25 इयर्स गारंटी। A few moments later. इनका काम जो है ना, इन्होंने पाइप शाइप काट लिए जितने काटने थे और अब ये दोबारा से फ्रेम के साथ लग गए हैं। जो प्लेटें अंदर आई हैं उनको देखकर ये अब सुराख लगाएंगे फ्रेम को। अच्छा अभी जो है ना सीन कुछ यूँ है कि इनके सुराख वगैरह लगा कर तो फिर ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है सब को छत पर आज ही ऊपर पहुंचाना है और कल जो काम होगा वो इंशाल्लाह छत पर होगा। फ्रेम बना जी 15 प्लेटों का, लेकिन 15 प्लेटें नहीं लगती, इस पर लगती हैं 14 प्लेटें, क्योंकि एक प्लेट की जगह छोड़ी जाती है। वहाँ से आप पानी छानी लगा सकते हैं, अपनी प्लेट साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम लगा रहे हैं 12 प्लेटें, एक पे पाँच, दो एक पे पाँच और एक पे सिर्फ दो लगेगी साइडों पे और बीच में तीन की जगह खाली रहेगी। इनका जो नीचे का काम है वो ऑलमोस्ट डन है, लेकिन ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है इसको छत पर पहुंचाना है आज ही और रस्सी के साथ बाहर से ही खींचेंगे और फिर इंशाल्लाह छुट्टी मिलेगी मुझे भी और इनको भी। तीनों फ्रेम फुल तैयार है, बस अब ऊपर पहुंचाने हैं। एक ये पड़ा हुआ है ये भी तैयार है और दो वो पीछे पर रखे हुए हैं क्योंकि वहाँ से ही ऊपर जाने हैं तो वहाँ पर रख दिए हैं। और मतलब इनका काम नीचे का मुकम्मल हो गया है। A few moments later. So guys, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें और मक्खियाँ बहुत ज्यादा, मैं जा रहा हूँ अंदर, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और इंशाल्लाह कल फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो जो काम करवाऊंगा मैं छत पर, वो सारा साथ साथ आपको बताऊंगा। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।